Now we are taking some examples. सबसे पहले से हम किसके पास जा रहे हैं, या फिर तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। तो हमने केस देखा है कौन सा वाला, फेयर वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू बोथ आर रिड्यूस, हम दोनों ही क्या करने वाले हैं, उनका कम करने वाले हैं। तो इसमें एंट्री क्या होगी, ओल्ड फेयर वैल्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू फेयर वैल्यू कैपिटल अकाउंट कैपिटल रिडक्शन। सर ऐसे नहीं, आप हमें इसको एग्जाम्पल के साथ बताइए, हमें एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है जी, चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं, आपके लिए कर रहे हैं बिल्कुल। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 28 फुली पेड, अभी तक कंपनी के पास 20,000 इक्विटी शेयर है, वो भी कितने वाले ऑफ रुपीज 28 फुली पेड, मतलब कि आप लोगों ने शेयर होल्डर से पूरा पैसा मंगवा रखा है, और दिक्कत इसमें नहीं भी। पर अब आप क्या कर रहे हो, ये शेयर होल्डर, हम तुम्हारे 28 फुली पेड वाले जो शेयर हैं वो हम कितने का कर देंगे, 1,200 का कर देंगे। क्या बात करो, 12 का, हाँ जी 12 का, कितने का कर देंगे हम लोग, 12 का कर देंगे, मतलब कि आप लोग हर शेयर पे 8 रुपए जो है वो क्या करने वाले हैं, सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो हम उनको बोलेंगे कि अब आपका हम जो शेयर है वो कितने का करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं ₹12 फुली पेडअप। इस केस में आपने फेस वैल्यू भी कम कर दी, इस केस में आपने फेस वैल्यू भी कम कर दिया, 20 से कितने पे आगे बिता रहे हो, 12 पे आ गए, और पेडअप वैल्यू भी कम कर दी, आया ना, उनकी पहला पेडअप कितना था, 20,000, अब कितने का रह गया, 12। तो आपने अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपने दो चीजें कर दी। सबसे पहली चीज तो क्या कि आपने 20 वाले शेयर की, जिनकी ऐसे शेयर जिनकी फेस वैल्यू कितनी थी 20, उनकी फेस वैल्यू कितनी कर दी आपने, 12 रुपए की कर दी। और दूसरी चीज क्या है कि आप 8 रुपए का सेक्रीफाइस करवा रहे हो किनसे, शेयर होल्डर में। समझ में आ रहेगा, एक चीज में दो चीज छुपी हुई थी। पहली बात तो क्या, पहली बात तो ये कि आपने 20,000 गाना याद आ गया मुझे, चलो तो पहली चीज तो क्या, पहली चीज तो ये कि ऐसे शेयर जिनकी फेस वैल्यू कितनी है, 20 रुपीज है, उनकी फेस वैल्यू आप 12 रुपए की कर रहे हैं। 12 रुपए की करने के साथ साथ एक तो आपने पहले फेस वैल्यू चेंज कर लिया, तो उसकी एंट्री तो बनती है, और दूसरी एंट्री तो किसकी बनती है, उन शेयर पे 20 रुपए आ रहे थे, पर अब मैं कह रहा हूँ 20 नहीं सिर्फ 12 रुपए आ रहे हैं, मतलब 8 रुपए आपके हम क्या करवा रहे हैं, सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं हम आपके 8 रुपए सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। सेक्रीफाइस करवाएंगे तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा, कटोरे में जाएगा आपके, कटोरे का नाम क्या है, कैपिटल रिडक्शन। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आप देखें ये कैपिटल तो मेरे पास से खत्म हो रही है, तो अगर ये कैपिटल खत्म हो रही है तो इसकी जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, वो रुपीज 20 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने कितने भाई, 20,000 शेयर से 20,000 शेयर से 20 रुपए वाले, क्लियर। तो 4,00,000 की आपके पास क्या थी है, कैपिटल थी। अब आपके पास ये शेयर कितने के हो गए, ₹12 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है। शेयर अभी भी कितने हैं, 20,000 ही है, शेयर अभी भी कितने हैं, 20,000 ही है, तो कितना हो गया ये, 2,40,000। और रिमेनिंग जो है वो आपने क्या करवा लिया, उनसे सेक्रीफाइस करवा लिया, तो वो किसमें जाएगा आपका, कैपिटल रिडक्शन। कितना सेक्रीफाइस करवाया, हर शेयर पे 8 रुपए सेक्रीफाइस हुए, तो 20,000 शेयर पे कितना सेक्रीफाइस हो गया, 1,60,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अगर मैं इसका यहाँ पर एक चीज बनाना चाहूँ, पहले जब आपकी कंपनी की बैलेंस शीट होगी तो आइटम कैसे आ रहे होंगे, उसमें यहाँ पे आप शो करते होंगे 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 फुली पेड, यहाँ पे आप दिखा रहे होंगे कितना, 4,00,000। अरे ना, ना पहले आप लोग अपनी कैपिटल शीट दिखा रहे होंगे 4,00,000। अगर आप लोग बैलेंस शीट ऐसे बनाओ तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो कितने के आ रहे थे, 4,00,000 के, ऐसा नो। पर अगर अभी की बैलेंस शीट बनाए
आपकी बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, आपकी बैलेंस शीट में ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कितने की आएगी, 240 की। तो देखिए यहाँ का बैलेंस कम हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। और हमें अल्टीमेटली यहाँ का बैलेंस तो क्या करना है, हमारा कम करना है, ताकि हम यहाँ से हमारी जो गंदी चीज़ें हैं वो राइट ऑफ कर सकें। क्लियर है ये? तो ये पहला वाला केस आपका कितना है, ये आपका पहला वाला केस है जब हम क्या कर रहे हैं जी, जब हम दोनों फेस वैल्यू एंड फेस अप वैल्यू दोनों क्या कर रहे हैं आपकी कम कर रहे हैं। Now we are taking your second case. Second case में क्या है? Only paid up value is what reduced. अतः इसके अगर हम narration की बात करें, तो इसका narration क्या हो जाएगा? इसका narration हो जाएगा, being 20,000 shares of rupees 20 each converted into 20,000 shares of rupees 12 each and rupees 8 being transferred to capital reduction. And rupees 8 per share being transferred to capital reduction. नरेशन में आपको धीरे धीरे आराम से और बता जाऊंगा, ताकि वो हमारी क्या नौकरी चले या नौकरी भी चले, ठीक है। अभी अगर आप चाहें तो नरेशन नहीं लिखें तो चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, मैं धीरे धीरे आपको नरेशन से लिखता हूँ। क्लियर है ये? अब हम आते हैं हमारे सेकेंड वाले केस में। सेकेंड वाला केस क्या है हमारा, एक ऑनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस, एक ऑनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस। इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू में आप कोई भी चेंज नहीं कर रहे, अगर फेस वैल्यू में चेंज नहीं कर रहे तो फेस वैल्यू के लिए एंट्री करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। कैसे क्या होगा वो देखते हैं सर। मान लेते हैं कंपनी के शेयर कितने हैं, 20,000 इक्विटी शेयर हैं ऑफ रुपीज 20 ईच फुली पेड, ठीक है। कंपनी कह रही है कि आपके जो शेयर हैं वो कितने के रहेंगे, फेस वैल्यू को इनकी कितनी रहेगी, रुपीज 20 ही रहेगी। पर हम क्या कर रहे हैं जी, हम कहेंगे कि ये जो है आपसे कितना सेटिस्फाइड करवा रहे हैं हम, लेट सपोज हम आपसे रुपीज 8 पर शेयर जो है वो क्या करवा रहे हैं, सेक्रीफाइस करवा रहे हैं, ठीक है जी। फेस वैल्यू कितनी रहेगी, बीबी 20 रुपये ही रहेगी, पर हम आपसे 8 रुपये पर शेयर क्या करवा रहे हैं, सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। इसका मतलब कि एक बंदा जिसने अपने शेयर पे पूरे 20 रुपए पे कर रखे हैं उसके आप 8 रुपए सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 8 रुपए तो आपके मंदिर आ गए ना, और कैपिटल आपकी 8 रुपए से क्या हो जाएगी, पर शेयर कम हो जाएगी। जैसे क्या फेस वैल्यू में कोई चेंज है, नहीं, पहले भी 20 अभी भी 20, तो इसकी एंट्री क्या होगी वो देखेंगे हम। रुपीज 20 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आएगा आपका, बस कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि फेस वैल्यू कंपनी की अभी भी कोई है, फेस वैल्यू चेंज नहीं हुई है। सिर्फ कितना अमाउंट सेक्रीफाइस हुआ है, 20,000 शेयर से 8 रुपए सेक्रीफाइस हुए हैं, तो इसी से क्या होने वाली है आपकी जनरल एंट्री, ठीक है जी। इसी से क्या होगी आपकी जनरल एंट्री। ये हुआ आपका केस कौन सा वाला, इफ ओनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस, ठीक है। इफ ओनली पेड अप वैल्यू इज रिड्यूस। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड केस, एंड दिस इज रिलेटेड टू योर सेक्रीफाइस बाय डिबेंचर एंड क्रेडिटर। देखो अब डिबेंचर और क्रेडिटर जो है आपके, ये कौन है आपके, फूफा जी समझ लेना, कौन है ये आपके फूफा। फूफा अगर शादी में लूट जाते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देके मनाया जाता है, आया ना। अपने अपने घर में चीज देखी होंगी कि अगर फूफा जी लूट जाते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देके मनाया जाता है। यहाँ पे हमने कहा कंपनी के एग्जिस्टिंग डिबेंचर कितने हैं, 10 लाख रुपीज के, कितने के हैं डिबेंचर, 10 लाख, 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 लाख, ये कंपनी के एग्जिस्टिंग। हमें इनसे क्या करवाना है, सेक्रीफाइस करवाना है, ठीक है। या फिर हमें ये पूरे के पूरे क्या करने हैं, राइट ऑफ करने, क्या करने हैं, राइट ऑफ करने। हमने इनसे कहा कि देखो डिबेंचर तुम्हारे 8% वाले हैं, हम तुम्हें नए डिबेंचर दे रहे हैं 9% वाले, ठीक है जी। हमने कहा हम तुम्हें क्या दे रहे हैं,
नए डिबेंचर दे रहे हैं 9% वाले, तो मैं एंट्री का करूंगा बड़े ध्यान से देखना 8% डिबेंचर स्कैंड है, क्योंकि ये तो पूरे की पूरे क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है जी, ये पूरे के पूरे क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। इनको हम क्या दे रहे हैं, हमने कह रहे हैं भाजी अच्छी का बात करती, ये लो आप 9% डिवेंचर लो आप 2 लाख वाले, कह रहे मैं नहीं मान रहा मेरे को और दो, हमने कहा ये लो आप, नहीं जो हमने शेयर इशू करे ना 12 रुपये वाले वो भी ले लो आप। तो आपने नए शेयर इनको भी दिए, मैं सपोज इनको हमने दिए कितने 10,000 शेयर, तो 10,000 इनको 12 कितने हो गए, तो 10 लाख के बदले हमने इन्हें क्या क्या दे दिया, नए डिवेंचर दे दिए, कंपनी के नए फेस वैल्यू वाले शेयर दे दिए, कंपनी के नए फेस वैल्यू वाले प्रिफरेंस दे दिया और पैसा दे दिया इनको। कुल मिला के 10 लाख के बदले इनके पास कितने पैसे पहुंचे, 2,03,05,06 पहुंचे, मतलब इन्होंने 75 कितना कर दिया, 10 लाख रुपए आपने कितने रुपए दिए थे, है रिमेनिंग क्या हो गया, वो सैक्रीफाइस हो गया ना, 6 पे 10 के तो कितने आ रहे हैं आपके, 3,80 कहाँ पे आ जाएंगे जी हमारे कटोरे में आ जी। ऐसे ही क्लेम किसके लिए हो सकता है, क्रेडिटर्स के लिए हो सकता है, यहाँ पे डिवेंचर के लिए क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स वो बोल रहे हैं क्या हमें शेयर भी दो, अगर देंगे तो देंगे, वो बोल रहे हैं हमें प्रेफरेंस भी दो, अगर मांग रहे हैं तो देंगे, वो बोलते हैं बैंक से ही पैसा दो, अगर मांग रहे तो देंगे, एंड रिमेनिंग विल बी व्हाट सैक्रिफाइस अमाउंट, और सैक्रिफाइस कहां पर आ जाएगा आपका, क्या क्रेडिट रिडक्शन ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि अब ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, नए डिवेंचर आ गए हमारे पास कितने 9% वाले, ले रहे हैं जी ऐसा हो। तो ऐसे हम लोग सैक्रिफाइस करवाते हैं इनसे, डिवेंचर से और क्रेडिटर से। हो सकता है इस क्वेश्चन में वो आपको ऐसा बोले कि 50% डिवेंचर भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार है, जितने सिर्फ 50% ही, तो मतलब कि 8 लाख 10 लाख का 50% कितना हुआ, 5 लाख, 5 लाख नहीं मान रहे ना, तो वो तो अभी भी हमारे साथ रहेंगे, जो मान रहे हैं मतलब कि जो मान रहे हैं कितने मान रहे हैं वो 5 लाख, 50% तैयार है ना, बस 8% डिवेंचर, यहाँ पे अमाउंट कितना आता है आपका 5 लाख आता है, क्योंकि आप जो अपनी डीलिंग कर रहे हो उससे डीलिंग कर रहे हो आप 5 लाख वाले डिवेंचर के साथ ले रहे हैं। तो वो रिसोर्स अगर क्वेश्चन में दिया रखा होगा तो हमें वो पैटर्न भी फॉलो फिर करना पड़ेगा। तो ये अभी हमने आपकी मेन मेन 3 केसेस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं।